8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार पकड़ा गया। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड को अपनी पहचान बताई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विकास दुबे के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने मंदिर के अंदर जाकर सरेंडर करने की कोशिश की थी। बता दें कि कानपुर शूटआउट के पास से विकास दुबे फरार था। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा था। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पहचान की। इसके बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी आला अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विकास दुबे को महाकाल थाने में रखा गया है। इससे पहले UPSTF ने शहडोल में उसके साले और बेटे को गिरफ्तार किया था। UPSTF की टीम मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय थी। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने खुद ही महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को अपनी पहचान बताई थी। अब पुलिस के अधिकारी विकास दुबे से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले विकास दुबे के लगातार लोकेशन बदलने की बात कही जा रही थी। उसे सबसे पहले फरीदाबाद में देखा गया था। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद विकास दुबे के नोएडा के फिल्म सिटी आकर सरेंडर करने की बात फैलने लगी तो पुलिस अलर्ट हो गई। फिल्म सिटी के चारों तरफ सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद से सटे बॉर्डर पर भी भारी पुलिस तैनात कर दी गई थी। इस बात की संभावना ज्यादा थी कि विकास सरेंडर करना चाहता है। हालांकि पुलिस का कहना था कि वह विकास दुबे को पकड़ने में जुटी है। विकास दुबे के कोलकाता भाग जाने की अटकलें भी सामने आई थी। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के दो और साथियों को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस ने विकास के गैंग से जुड़े प्रभात और रणवीर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इससे पहले विकास का राइट हैंड बताए जा रहे अमर दुबे को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया था। प्रभात मिश्रा को बुधवार पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया गया था। पुलिस के मुताबिक कानपुर के पास हाईवे पर प्रभात ने STF के पुलिस इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीनी और भागने की कोशिश की। मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। विकास दुबे गैंग का दूसरा एनकाउंटर इटावा में हुआ। विकास दुबे गैंग का एक और बदमाश रणवीर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान मारा गया। देर रात थाना सिविल लाइन क्षेत्र से कार लूटकर भाग रहे बदमाश को पुलिस और SWAT टीम ने घेराबंदी कर मारा। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर में मरने वाला बदमाश रणवीर कानपुर के बिखरे गांव मामले में नामजद है। उसके ऊपर 50,000 का इनाम था। बदमाश के पास से दिल्ली नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार, एक पिस्टल, एक डबल बैरल बंदूक और कई कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस विकास दुबे के गैंग पर लगातार नजर बनाए हुए है।